हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल का मैंने कंप्लीट यहां पे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर का मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते मैंने कंप्लीट कर दिए। आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य, जो आपके पीएससी में जो कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं। तो यहाँ से भी जितने भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी हैं और इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल में आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो मैंने छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के कम्प्लीट यहाँ पर वीडियो बना दिए हूँ, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ ही भाषा में उसके साहित्य के बारे में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट कर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दांत दिखाने वाले के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द में या छत्तीसगढ़ी में हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दांत निपोर। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है फॉरेस्ट में, तो याद रखिएगा एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। दांत दिखाने वाले छत्तीसगढ़ी में हम उसको दांत निपोर कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है, ये भी आपके एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, ये है इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन महासमुंद। तो लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है, तो आपके महासमुंद जिले में जो कि लरिया बोली बोली जाती है। तो ये आपके सीजीपीएससी के आपके एसीएफ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017-18 में, तो इसका बी ऑप्शन महासमुंद। याद रखिएगा लरिया बोली आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत यहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सदरी बोली कौन से जिले में बोली जाती है, तो आपके जसपुर जिले में बोली जाती है। याद रखिएगा सदरी बोली आपके जसपुर जिले में बोली जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सू को क्या कहा जाता है, ये भी आपके प्री में आपके सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है पीएससी में। तो जो आप हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो गाय वगैरह रहते हैं जानवरों को बांधने की रस्सू को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उसको गिरमा कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी अंचल में यहाँ छत्तीसगढ़ अंचल में जानवरों को बांधने जो रस्सी रहता है जो हम गाय वगैरह को बांधते हैं गैया वगैरह को, तो इसको गिरमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ाई किसे कहते हैं या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से जो आपका जूता, पुरुष की चप्पल, कुरिया, गमछा या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आपका आएगा ई ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में भदई चप्पल को कहते हैं, जो लेख सेवा आयोग ने यहाँ पे लिपि त्रुटि के कारण उसको इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर इनमें से कोई नहीं लिया गया, तो देख सकते हैं आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहलाती है, तो परित्यक्ता, विमुक्ता, छणवे, अलगाही या डी है इनमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए छणवे, तो पति द्वारा जो त्यागी गई नारी को यहाँ पे छणवे के नाम से इसको जाना जाता है, तो आपके सीजीपीएससी प्री में सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पति द्वारा त्यागी गई नारी को छणवे कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अरकट्टा का अर्थ होता है, ये भी सीजीपीएससी एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सड़क, गली, छोटा रास्ता या बड़ा रास्ता को कहते हैं, तो अरकट्टा का अर्थ है यहाँ पे जो छोटा रास्ता होता है उसको अरकट्टा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हल्का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे नांगल, नांगर या नकल या लांगल कहते हैं, तो आपके सीजीपीएससी एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। नांगर कहते हैं जो हम खेत में जोताई वगैरह करते हैं गैया के साथ, जिसमें जिसे हल्का जो हम छत्तीसगढ़ी अंचल में उसको नांगर कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लमचोची किसे कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो लंबी चोंच वाली चिड़िया होती है उसको लमचोची कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके सीजीपीएससी एसीएफ में 2016 में आए हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बहाना या टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में क्या गया, हम छत्तीसगढ़ी में इसको क्या कहेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओखी कहेंगे, तो याद रखिए बहाने या टाल मटोल या हम उसको छत्तीसगढ़ी में हम आपको ओखी कहेंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सीजीपीएससी प्री सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो पपई, परई, पपची या पपड़ी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पपची। तो गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में हम उसको पपची कहते हैं। तो याद रखिए पकवान से भी क्वेश्चन आने ही आना है आपके। तो ये आपके सी जी पी एस सी प्री के सी सेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गेहूँ के आटे से बने मीठे पकवान को हम छत्तीसगढ़ी में पपची कहेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खोरवा का मतलब है तो गली बुहारने वाले व्यक्ति को या गली या खोह या लंगड़ा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो खोरवा का मतलब है जिनका पैर नहीं जो कि नहीं रहता या लंगड़ा को कहते हैं यहाँ पे खोरवा का मतलब। इसका डी ऑप्शन है। तो याद रखिए सी जी पी एस सी प्री सी सेट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोंदली का अर्थ है गोंद या गोद या प्याज या गोदना या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए कि प्याज, तो गोंदली को हम हमारे छत्तीसगढ़ी अंचल में गोंदली कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भांटों का मतलब है या जीजा बहनोई भांटा या भांटे का भुरता या भांटा है या ई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। भांटों का जो मतलब होता है जीजा के जो बहनोई होते हैं उसको यहाँ पे भांटों के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसे आपके सी सेट में आने वाला क्वेश्चन, तो इसमें से सी सेट में हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मैं कवर कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे महू जाहों का मतलब है ये आपके ए बी सी सेट में आया हुआ है 2014 पी एस सी में। तो महू जाहों का मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में मैं हाँ जाऊँगा या जाऊँगा इसका मतलब है। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पटतर का मतलब है तो पटतर का क्या मतलब है? तो पटतर का आपका उपमा से मतलब है इसका। तो मतलब पटतर का मतलब है उपमा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भांडी का अर्थ है तो भांडी का क्या अर्थ है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवार को हम भांडी कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो भांडी का अर्थ है दीवार से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भोरहा का अर्थ। तो भोरहा का अर्थ है हम जो हमारे छत्तीसगढ़ी में भ्रम से संबंधित है। भोरहा हमारे छत्तीसगढ़ी अंचल में बोला जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में समझें तो उसको भ्रम कहते हैं। इसका भोर होता है जिससे भोरहा का भ्रम अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंगीठी के मतलब है तो अंगीठी आपको जो हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आपके उंगली को यहाँ पे अंगीठी कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में उंगली को हम अंगीठी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन उंगली। याद रखिए सी जी पी एस सी माइनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सी है? तो रोमांचित होने के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द में आपका आ जाएगा सी ऑप्शन गुरगुराना, जो कि रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दूजा का अर्थ है, दूजा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर जो दूसरी शादी करने वाला मर्द को यहाँ पे दूजा कहा जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सेट में आए हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निंदा का पर्यायवाची है तो निंदा का पर्याय है यहाँ पे ठोस से संबंधित है। याद रखिए निंदा जो हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जिसका मतलब होता है ठोस को हम निंदा कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहरा का मतलब है तो बाहर का या झाड़ू या श्रवण बाधित व्यक्ति को या एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहरा या बहरा का मतलब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एक बड़ा जो गहरा उपजाऊ खेत है उसको बहरा के नाम से इसको हम छत्तीसगढ़ी अंचल में जाना जाता है। तो अगला डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डांड देना का अर्थ है तो ना देना, आवाज़ लगाना, रेखा खींचना या ऐलान करना या यही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना देना। तो डांड देना का मतलब है ना देना। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सी जी पी एस सी प्री सी सेट में 2013 में आए हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या है? ऐसी बात क्यों करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पन्ही का अर्थ क्या है? तो पहनने की क्रिया है, पनिहारी नहीं या जूता है या गले का आभूषण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पन्ही का अर्थ यहाँ पे जूता से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पगरैत का अर्थ क्या है? तो पगरैत का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, वर का जो पिता अभिभावक होते हैं जिससे पगरैत का इसका मतलब हो जाए। तो याद रखिए पगरैत का अर्थ यहाँ पे वर का पिता या अभिभावक से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उन्हारी से क्या आशय है? तो जो रबी फसल होता है उसे उन्हारी से संबंधित होते हैं, इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी शब्द छेवारी या छठी संबंधित जो मातृत्व अवकाश से माया जीवन शब्द से आशय है, ब्यारी भोजन, मध्यान्ह भोजन, प्रीति भोज या ग्राम भोज या बरसी भोज, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा प्रीति भोज। तो छत्तीसगढ़ी शब्द जेवारी छेवारी छठी संबंध में जो मातृत्व अवकाश में जो माया जीवन शब्द से आशय आपका प्रीति भोज से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सी है? तो घोड़वा घोड़वा या घोड़वा या घोड़ा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन घोड़वा। तो घोड़ा के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द घोड़वा सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सी है? तो होशियार होशियार या होशियार या होशियार है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन याद रखिए। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सी हो जाएगा? तो होशियार इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जंतर का अर्थ है, तो जंतर का अर्थ क्या है? तो यंत्र से संबंधित अर्थ है, याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा अर्थ प्रकट करता है? तो कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, परिभाषिक शब्दों का ग्रंथ या दूरी की माप या ई है इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूरी की माप। तो कोस शब्द आप कौन सा अर्थ प्रकट करता है? तो कोस आपका दूरी की माप को अर्थ प्रकट करता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा का निम्नलिखित कौन सा अर्थ होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन, तीन लड़कियों को बाद जो जन्म पुत्र होगा उसको तीतरा का मतलब हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी में तत्रा तीतरा का अर्थ हो जाएगा आपका तीन लड़की को जो बाद जन्म जो पुत्र होगा उसको तीतरा के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? तो यहाँ धान, केला, नारियल या गन्ना। तो छत्तीसगढ़ी में कुसियार हम गन्ना को जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ी अंचल में कुसियार को हम गन्ना को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़े मेंढक को क्या कहते हैं? तो भिंडोल, बगिया या बंगबा या मेचका, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन याद रखिए। सबसे बड़े मेंढक को हम भिंडोल के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, खटमल, तो खटमल को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो ढेकी, जाता या देना या ढेकुना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन देना, तो याद रखिएगा खटमल को हम यहाँ पे देना के नाम से जाना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बाई मिस्टेक हो गया, तो खटमल को हम ढेकुना के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन याद रखिएगा। खटमल को हम ढेकुना के नाम से इसको जाना जाता है, छत्तीसगढ़ी अंचल में ढेकुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी यहाँ पे अंचल में खटमल को हम ढेकुना कहा जाता है, आयोग ने जो उत्तर जो कि यहाँ पे देना दिया है, तो इसी तरह इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, आयोग ने यहाँ पे सी ऑप्शन लिया गया था। अबे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? तो उक्ति, कमारी, बूढ़ती और भंडार, इसमें से बी ऑप्शन कमारी है, जो कि यह दिशा से ज्ञान संबंधित नहीं है, बाकी उक्ति, बूढ़ती और भंडार यह शब्द जो कि दिशा से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन कमारी, यह दिशा शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मैं जा रही हूँ या इसका जो छत्तीसगढ़ी रूप कौन सा होगा? तो इसका सही छत्तीसगढ़ी रूप हो गया व्याख्या देखेंगे, तो यहाँ पे मैं जात हूँ इसका छत्तीसगढ़ी रूप होगा, तो व्याख्या में मैं जा रहा हूँ या रही हूँ का सही रूप मैं जात हूँ, जो कि इसका छत्तीसगढ़ी रूप होगा। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और हम यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन और कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू।